یا غریب نواز. یہ مت کرنا یار. ولیوں کے مدینے میں ولیوں کے مدینے میں کئی قافلے گئے ولیوں کے مدینے میں کئی قافلے گئے ہندوستان کے واسطے خواجہ چنے گئے شبیر بھائی کچھ کتاب پیش کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا. ان کے کرم سے جنید بھائی ان کے کرم سے کتنے مقدر غنی ہوئے ان کے کرم سے کتنے مقدر غنی ہوئے جو چشتیہ کتاب کے حرف جلی ہوئے اللہ کے ولی کو عبادت ہے ڈھونڈنا اللہ کے ولی کو عبادت ہے ڈھونڈنا خواجہ تیری تلاش میں کتنے ولی ہوئے کتنے ولی ہوئے خواجہ تیری تلاش میں کتنے ولی ہوئے. نفرت دلوں میں ڈال دی جیتی رہی ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. خواجہ تیری تلاش میں کتنے ولی ہوئے. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا عاشقان غریب نواز سے. ابھی ساؤتھ افریقہ گیا تھا میں, وہاں اس کلام کے لیے بلایا گیا تھا. جب یہ کلام مکمل ہوا اکیلے میں وقت تہجد میں نے خواجہ کو سنایا تھا. سرکار نے پسند کیا, امید کرتا ہوں آپ پسند کریں گے. سماعت فرمائیں, کیونکہ آوارہ زندگی کو کرینے میں دیکھنا, آوارہ زندگی کو کرینے میں دیکھنا یعنی کہ حاجیوں کے سفینے میں دیکھنا, اور اجمیر کی گلیوں میں ہمیں دیکھنے والوں
वो दिन भी आएगा कि मदीने में देखना, वो दिन भी आएगा कि मदीने में देखना। जब जब भी अजीज भाई जब जब भी ख्वाजा वाले मदीने में जाएंगे, 60 दिन से मुकम्मल गा रहा हूं मैं बिना सोए, ये भी मेरे ख्वाजा का करम है, क्योंकि दुनिया के हर फनकार को, दुनिया के हर आदमी को अल्लाह ने एक एक काम सौंपा है। कोई जमीन प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई मैकेनिक का काम करता है, हमारे जुनेद भाई और रईस भाई से खास तौर जाऊंगा, अल्लाह और रईस बना दे, लेकिन कव्वालों को अल्लाह ने वलियों की ड्यूटी सौंपी है। शबीर भाई एक चार मिसले सुनिए, बिल्कुल अछूते याद आए हैं, कि ओढ़ कर बैठा हो खुद अपनी कवाली तो बता, इश्क की राह में ऐसा कोई राही तो बता, मैं भी खुसरो की तरह जूतियां सर पर रख लूं, कोई दुर्वेश हो महबूबे इलाही तो बता। गरीब नवाज़, क्या बात, गरीब नवाज़ तला तुमसे किनारे पर सफीना भेज देते हैं, तला तुमसे किनारे पर सफीना भेज देते हैं, और मेरे ख्वाजा जिसे चाहे मदीना भेज देते हैं, हेलो हेलो, ख्वाजा पिया हमसे अपने भी चलते हैं ख्वाजा पिया, और बच के निकलते हैं ख्वाजा पिया, और बच के निकलते हैं ख्वाजा पिया, और बच के निकलते हैं ख्वाजा पिया, फिक्र हमको नहीं क्योंकि हम हैं तेरे, हमें तेरे, हम बोले क्योंकि हमें तेरे, हम बोले क्योंकि हमें तेरे, शाम से हम नि...
دلوں میں ڈال دی, لہجہ بدل دیا. دولت نے آج خون کا رشتہ بدل دیا, اور اخلاق سے خدا کی قسم میں فقیر نے بھارت کی سرزمین کا نقشہ بدل دیا. یار آج گانے کا موڈ ہے مگر مائک ساتھ نہیں دے رہا یار. ہلو. کاش ایسی بھی رات ہو جائے, کاش بھی رات ہو جائے. ہمارے مین مائک ذرا اچھا بنائیں. ہلو, تھوڑا ہیمنگ کم کرو اس کا. منور بھائی اچھا رکھے, اللہ اچھا رکھے. ہمارے کامل بھائی کو اللہ اچھا رکھے. کاش ایسی بھی رات ہو جائے جس میں میری نجات ہو جائے, اور خواب میں ہی صحیح میرے مولا میرے خواجہ سے بات ہو جائے. شیر دے رہا ہوں توجہ چاہوں گا رئیس بھائی. سونے چاندی کا پیالہ نہیں چاہیے, خاص یہ شعر پڑھ رہا ہوں عاشقان غریب نواز کے لیے. تجھ کو روز ازل سے امیری ملی, تجھ کو روز ازل سے امیری ملی, دستگیروں کی بھی دستگیری ملی, کامل بھائی بادشاہی کرے اس کو جھک کے سلام, بادشاہی کرے
उसको झुक के सलाम, तेरे दर की जिसे भी फकीरी मिली, तेरे टुकड़ों पे बंदे हैं राजा मियां, तेरे मुनवर भाई। चार यारी में, चार यारी में हर मस्त कहने लगा, इश्क ख्वाजा में मसरूफ रहने लगा, इश्क़े ख्वाजा में मसरूफ रहने लगा। बात कहता हूँ ख्वाजा मैं ईमान से, बात कहता हूँ ख्वाजा मैं ईमान से, मेरे बच्चे भी कहने लगे शान से, तेरे टुकड़ों पे बंदे हैं राजा मियां, तेरे रसूल का फरमान लाए हैं। अल्लाह के रसूल का फरमान लाए हैं, बख्शिश का और निजात का सामान लाए हैं। हम जैसे गुनाहगारों के बख्शिश के वास्ते ख्वाजा पिया मदीने से कुरान लाए हैं। तमाम हमारे रईस भाई से खास तवज्जो इस शेर पर। या गरीब नवाज, बिल्कुल नया शेर पढ़ रहा हूं। हम हैं आबाद, हम हैं आबाद, हमको उजाड़ेगा क्या, हम हैं आबाद, हमको उजाड़ेगा क्या, फन के मैदान में हमको पछाड़ेगा क्या, उजाड़ेगा क्या, क्या बात है, फन के मैदान में हमको पछाड़ेगा क्या। हम तो मांगते हैं ख्वाजा के दरबार के, कोई दुश्मन हमारा बिगाड़ेगा क्या, तेरे टुकड़ों पे बंदे हैं। कामिल भाई, महफिल में बहुत से और गरीब नवाज के और दीवाने भी बैठे हैं, उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। सिर्फ कुछ मिसरे पेश कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा।
بطور خاص تمام جو عاشقان نے غریب نواز بیٹھے ان سے خاص توجہ چاہوں گا. बेकसों को भी सुल्तान तूने किया, अपने दुश्मन को मेहमान तूने किया, कुछ दिनों के पहले साया मौला अली गुंबद ख्वाजा पर नजर आया था. वहां के खादिम बताते हैं कि इतनी भीड़ आज तक कभी नहीं देखी गरीब नवाज के दरबार में. समा फरमाया, क्योंकि रुतबा मेरे मोइन का कितना बुलंद है, रुतबा मेरे मोइन का कितना बुलंद है, क्योंकि मौलाए कायनात को ख्वाजा पसंद है. एक शेर मैंने कहा था शबीर भाई, रहमतों का करीना नजर आ गया, खुशबुओं का सफीना नजर आ गया, तुझको देखा नबी के तसव्वुर में, जब तुझको देखा नबी के तसव्वुर में, जब तेरे दर पे मदीना नजर आ गया, तेरे टुकड़ों पे बल दे गया. मैंने इसलिए कहा था कि छेड़ो ना फकीरों को कभी इस देश में, छेड़ो ना फकीरों को कभी इस देश में, मिल जाए जाने ख्वाजा मेरा किस भेस में, छेड़ो ना फकीरों को कभी इस देश में, मिल जाए जाने ख्वाजा मेरा. सामने से शेर अपील नहीं हो रहा है. या गरीब नवाज, हाँ समा फरमाए, मोरे ख्वाजा जी या गरीब नवाज, ऊंची ऊंची इमारत से मतलब नहीं, शाहों से और हुकूमत से मतलब नहीं, हम फकीरों को टूटी चटाई बहुत, हम फकीरों को टूटी चटाई बहुत, हमको दुनिया की दौलत से मतलब नहीं, तेरे टुकड़ों पे
मुनव्वर सेठ की एक फरमाइश है, मुनव्वर सेठ की एक फरमाइश है बेटा, जरा मूड बनाइए फनकारों का तवज्जो। अरे तुम तो हो वलियों के मुनकिर, कैसे तुम्हारे हैं, वाह क्या बात है। तुम तो हो वलियों के मुनकिर, कैसे तुम्हारे हैं, तुम तो हो वलियों के मुनकिर, कैसे तुम्हारे हैं, हम तो ठहरे कट्टर सुन्नी ख्वाजा हमारे, हम तो ठहरे कट्टर सुन्नी ख्वाजा हमारे। हम तो ठहरे कट्टर सुन्नी ख्वाजा हमारे, भैया ये धूल मत उड़ाइए, मेरी गुजारिश है क्योंकि सरकार महफिल में तशरीफ फरमाए, इसका अदब करें आप लोग। आप कहेंगे तो मैं सारा पैसा आपको दे दूंगा, मगर खामोश बैठे आप लोग। हाँ कुछ लोग कहते हैं शब्बीर भाई ये शेर सबसे पहले मैंने लाया था, उसके बाद बहुत से लोगों ने पढ़ा कि जो अल्लाह से मांगते हैं सिर्फ अल्लाह उनका है, लेकिन हमारा समा फरमाए, हम सुन्नी मुसलमानों के दो दो हैं सहारे, जुनैद भाई, हम सुन्नी मुसलमानों के दो दो हैं सहारे, अल्लाह भी हमारा है मोहम्मद भी हमारे, अल्लाह भी हमारा है, अल्लाह भी हमारा है। लग रहा है कि मैं वाकई कानपुर में आया हूं, अल्लाह अकबर, क्या बात। हमसे मत पूछिए, हमसे मत पूछिए बख्शिश का वसीला क्या है, क्या बात। हमसे मत पूछिए बख्शिश का वसीला क्या है, हम उलामाने मोहम्मद हैं हमारा क्या है, क्या बात। पंजतन अपने खुदा अपना सहाबा अपने, पंजतन अपने खुदा अपना सहाबा अपने, मुनकिरो तुम ही बताओ कि तुम्हारा क्या है। बहत्तर फिरके हैं, सरकार ने कहा ये एक फिरका जन्नत में जाएगा, और मेरी नजर में जो ख्वाजा के साथ है वो अली के साथ है, और जो अली के साथ है वही नबी के साथ है। समा फरमाए, इसलिए कह रहा हूं, जो है तेरा भिखारी, जो है तेरा भिखारी वो सुल्तान है,
इंशाल्लाह इसके बाद सारी महफिल को नचा दूंगा, ये मेरा वादा है। समा फरमाए। जो है तेरा भिखारी वो सुल्तान है, सब पे ख्वाजा पिया का ये एहसान है। ये शेर सुन के लगना चाहिए कि मैं वाकई अड़ा में आया हूं। अड़ा में बहुत मशहूर जगह है, वो जिनकी नाम, वो जिनके नाम से निस्बत की सारी शान जिंदा है, क्या बात, उन्हें जेरे जमी पाकर भी अफसरदा नहीं होते, और कयामत तक वली जिंदा रहेंगे अपनी कब्रों में, नबी के चाहने वाले कभी मुर्दा नहीं होते। एक शेर में जो सामने बैठे हैं इनके लिए पढ़ना चाहूंगा। खिजां के दौर को फसलें बहार देते हैं, दुखों के बोझ को सर से उतार देते हैं, और तुम्हारे अश्क टपकने में जितनी देर लगे वो उतनी देर में किस्मत संवार देते हैं। अब लग रहा है मुझे, अब मुझे लग रहा है कि मैं वाकई अड़ा में आया हूं, कसम खुदा की, क्योंकि समा फरमाए। जाने क्यों जलने वालों के, जाने क्यों जलने वालों के चेहरे उतर गए, जाने क्यों जल, बेटा जुनेद भाई नहीं, टर्न खत्म होने के बाद तुम वहां क्यों जाते हो समझ में नहीं आता मेरा, उनको उठाओ, तुम्हारा हक है बैठने का, बैठो। न जाने दुश्मनों के क्यों चेहरे उतर गए, क्या बात, हम सुन्नियों के घर सदा आबाद देखकर, और गुमराह मौलवियों की नींदें हराम है, ख्वाजा तेरे गुलामों की तादाद देखकर। जुनेद से बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, बहुत मोहब्बत करता हूं। नहीं, ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, छोटा भाई है, और इस बंदे पर छोटे और बड़े सरकार की नजर है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। वाह वाह क्या बात, समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, क्योंकि गला तो भाई भी भाई से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। या गरीब नवाज, देखिए आर्टिस्ट का अगर दिल खुश हो जाए तो उसकी आवाज भी खुल जाती है। या गरीब नवाज, वो सुल्तान है, जो है तेरा भिखारी वो सुल्तान है। सब ये हमारे जुनेद भाई ने नवाजा है मुझे, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। जो है तेरा भिखारी वो सुल्तान है, सब पे ख्वाजा पिया का ये एहसान है। हमारे रईस भाई से तवज्जो चाहूंगा, क्या ख्वाजा वाले हैं जन्नत के हकदार हैं, ख्वाजा वाले हैं जन्नत के हकदार हैं, सारी सुन्नी जमात का ऐलान है, तेरे टुकड़ों पे बैठे हैं ख्वाजा पिया तेरे।
आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, समा फरमाए। आजाब है सैयद, है सैयद, सैयदों के वो सफीने में ही रह जाते, और मोहब्बत हमसे ना होती मदीने में ही रह जाते। मोहब्बत हमसे ना होती मदीने में ही रह जाते, क्योंकि दुनिया बड़ी खराब है, शायद इसीलिए जो अच्छे लोग आए वो जल्दी चले गए। पैदा यहीं हुआ हूं, यहीं पर मरूंगा मैं, वो और लोग थे जो कराची चले गए। क्योंकि खत्म हम अपनी वफादारी नहीं कर सकते, क्या बात है, खत्म हम अपनी वफादारी नहीं कर सकते, तेरे दुश्मन की तरफदारी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मादरे हिंद तेरा दूध पिया है हमने, हम तेरी कोख से गद्दारी नहीं कर सकते। क्या कहने, उस आदमी ने भी सोचा है मुझे पुरस्कार देने के लिए, नाम नहीं लूंगा, इस शेर पर। सब हिंदू मुसलमान आपस में मिल मिल के गले यूं कहते हैं, सब हिंदू मुसलमान आपस में मिल मिल के गले यूं कहते हैं, उस देश की क्या तारीफ करूं जिस देश में ख्वाजा रहते हैं, 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 जिस देश। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, उस देश की क्या तारीफ करूं जिस देश में ख्वाजा रहते हैं, जिस देश में ख्वाजा रहते हैं, जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। इंशाल्लाह मैं एक कलाम ऐसा पढ़ रहा हूं जो YouTube पे बड़ा धमाल कर रहा है, 10-15 मिनट में उसको सुनाता हूं, तवज्जो चाहूंगा। मेरे ख्वाजा की जिसको भी निस्बत मिली, दीनो ईमान की उसको दौलत मिली, तेरी निस्बत से हम बन गए जन्नती, कबली वाले की हमको मोहब्बत मिली, तेरे टुकड़ों पे बनते हैं।